नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें और रुपए कैसे कमाएं। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि अमेजॉन अफिलिएट से रुपये कैसे कमाते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग करें कैसे। तो रुपए कमाने का तरीका दोस्तों यह है कि आपको दोस्तों अमेज़न के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मोबाइल है या फिर कुछ भी सामान है जो अमेज़न पर बिकता है, उसको आपको दोस्तों लिंक के द्वारा सेल करवाना है। जैसे कि कोई भी आपको मोबाइल सेल करवाना है तो आपको दोस्तों मोबाइल का लिंक है जो सेंड कर देना है अपने दोस्तों के साथ में या फिर किसी भी वेबसाइट पर, अपने वेबसाइट पर। जैसे ही दोस्तों कोई भी लोग जो उस लिंक पर क्लिक करके उस सामान को खरीद लेते हैं तो आपको जो है कमीशन मिल जाएगा और ऐसे ही दोस्तों आप जो है अमेज़न एफिलिएट से जो है रुपये कमा सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग करें कैसे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को जो है अमेज़न का एक एफिलिएट अकाउंट होता है, उसको बनाना है और उसको अमेज़न एफिलिएट अकाउंट को बनाने के बाद में हमारे को दोस्तों किसी भी सामान का जो है लिंक सेंड कर देना है और फिर जो है हम उसके रुपये कमा सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के नीचे दोस्तों लाइक का बटन है, उसको भी जरूर दबा दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इधर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट है जो कैसे बनाते हैं और इससे जो है लिंक है जो कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। तो अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों हमारे को सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके दोस्तों इधर हमारे को लिख देना है amazon.in वेबसाइट है जो सर्च कर लेनी है अमेज़न की। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ amazon.in, ये मैंने क्लिक कर दिया और सर्च कर दिया तो ये सर्च हो रहा है। और अब हमारे को दोस्तों इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इधर हमारे को दोस्तों एक डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन मिल रहा है तो हमारे जो है इस पर राइट का टिक लगा देना है। इस पर हम दोस्तों राइट का टिक लगा देंगे तो इस डेस्कटॉप साइट में अमेज़न की वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगी। और इधर दोस्तों अगर आपने जो लॉगिन नहीं किया अमेज़न तो आपको जो है लॉगिन कर देना है। मैंने जो पहले से लॉगिन करके रखा है तो ये लिखा हुआ आ गया मेरा नाम हाय अशोक। तो लॉगिन कर लेने के बाद में दोस्तों अब हमारे को क्या करना है कि आपको दोस्तों इधर एक ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आपको चले जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अमेज़न एफिलिएट अकाउंट बनाने का। तो इधर दोस्तों हमारे को एक ऑप्शन मिल जाता है ये वाला मेक मनी विद अस। तो हमारे को तीसरे नंबर पर इस तरह का ऑप्शन मिलता है बिकम एन एफिलिएट, तो हमारे को इस पर क्लिक करना है बिकम एन एफिलिएट। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने दोस्तों नया पेज ओपन हो जाएगा। और इधर दोस्तों अब हमारे को क्या करना है कि ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है नया पेज ओपन हो जाएगा। और इधर दोस्तों हमारे को अमेज़न का पासवर्ड डाल के इसको जो है फिर से लॉगिन करना है। तो मैं अपना जो पासवर्ड इधर डाल देता हूँ और फिर हम लॉगिन कर देंगे। मैंने दोस्तों अपना पासवर्ड जो इधर डाल दिया है, अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है लॉगिन हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमारे को इस पेज को कर देना है बड़ा और सबसे पहले ये वाला ऑप्शन हमारे को मिल जाता है इधर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। तो इधर हमारे को दोस्तों अकाउंट का इंफॉर्मेशन है जो सारा डाल देना है, मतलब कि अपना नाम, एड्रेस और पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर सब कुछ है जो इधर डाल देना है। तो मैंने दोस्तों पहले से ही मैं जो है अमेज़न के अकाउंट को जो पहले से यूज़ करता हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो मेरा जो एड्रेस पहले से ही है तो इधर आ चुका है। और अगर आप भी जो है अमेज़न को पहले से यूज़ करते हैं तो आपका भी एड्रेस है जो ऑलरेडी अपने आप इधर आ जाएगा। और अगर आप नए हैं और अमेज़न को पहले से यूज़ नहीं करते हैं तो आपको जो मैन्युअली अपना नाम और सब कुछ एड्रेस डाल देना है, इधर आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों मैंने जो है ये पहले से डाल दिया है और अब हमारे को दोस्तों इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है ये वाला हु इज़ द मैन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो हमारे को दोस्तों इस पर क्लिक करना है द पे लिस्टेड अबव, तो ये पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है हमारे को इधर फॉर US टैक्स पर्पज आर यू ए US पर्सन, तो अब हमारे को दोस्तों इधर नो पर क्लिक करना है। इधर नो पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब हमारे को नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, तो हमारे को जो इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने दोस्तों दूसरा जो पेज ओपन हो जाएगा और इसमें हमारे को क्या करना है कि अपनी वेबसाइट का जो है लिंक डालना है इधर और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। तो अगर दोस्तों आपके पास में वेबसाइट है तो उसका आपको लिंक डाल देना है, या फिर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का भी लिंक इधर आप डाल सकते हैं, या फेसबुक पेज का भी लिंक है जो इधर आप डाल सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों यूट्यूब चैनल का लिंक है जो इधर डाल देता हूँ, तो इसके लिए मैं यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ और इधर मेरा जो है चैनल का सर्च कर लेता हूँ इधर यूट्यूब पर। तो यूट्यूब चैनल का जो है लिंक कॉपी करने के लिए हमारे को दोस्तों इधर लिख देना है पहले तो चैनल का नाम और फिर हमारे को सर्च कर लेना है सुपर टेक्निकल अशोक, मैंने लिख दिया और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ।
तो यह आशु का मेरे चैनल, और इसका लिंक कॉपी करने के लिए हमारे को इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और शेयर पर क्लिक करके हमारे को ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी लिंक का। तो हमारे को दोस्तों कोई भी लिंक पर क्लिक कर देना है, लिंक का जो कॉपी हो जाएगा, और फिर आपको वापस से जो इधर डाल देना है अपना जो है यूट्यूब चैनल का लिंक। तो मैं इधर दोस्तों पेस्ट कर देता हूँ उस लिंक को और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है लिंक है जो ऐड हो चुका है इधर, और आपके पास ज़्यादा वेबसाइट है तो ज़्यादा भी आप जो है ऐड कर सकते हैं इधर। तो लिंक डालने के बाद में दोस्तों अब हमारे को क्या करना है कि इधर हमारे को क्लिक कर देना है इस पर ऑप्शन पर, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा स्टेप आ जाएगा। ये देख लीजिए, दो स्टेप है जो पूरा हो चुका है, अभी ये तीसरा ऑप्शन है प्रोफाइल का। तो इस स्टेप को हमारे को जब पूरा कर देना है, तो इसमें दोस्तों हमारे को पहले सबसे पहला ऑप्शन मिलता है व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी। तो हमारे को दोस्तों अपना जो नाम इधर डाल देना है, जैसे कि मैं इधर डाल देता हूँ अशोक, मैंने डाल दिया है। और अब हमारे को दोस्तों ऐसे एक ऑप्शन और मिल जाएगा योर वेबसाइट लिस्ट। तो वेबसाइट तो हमने अभी डाला है यूट्यूब चैनल का लिंक, तो वो इधर ऑटोमेटिकली आ चुका है। और इधर दोस्तों कुछ भी नहीं डालना हमारे को, और नीचे ऑप्शन और मिल जाता है हमारे को व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से वो किसके अब बारे में है। तो मैं इधर डाल देता हूँ मेरा चैनल है जो टेक्निकल के बारे में, तो इधर मैं डाल देता हूँ टेक्नोलॉजी, मैंने डाल दिया टेक्नोलॉजी। और अब मैं नीचे ऑप्शन और देख लेता हूँ क्या है, ये देख लीजिए नीचे ऑप्शन और ऑप्शन हमारे को मिल जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो हमारे को दोस्तों इस पर क्लिक करना है, और जो टॉपिक है वो आपको जो है सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मेरा चैनल जो टेक्निकल है, तो मैं जो टेक्निकल ये इधर से सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया इधर, और दूसरा ऑप्शन और मिल जाता है हमारे को सेकेंडरी टॉपिक। तो इसमें भी आपको दोस्तों कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे वाले में दोस्तों मैं इधर सेलेक्ट कर देता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इसे और ऑप्शन मिल जाता है व्हाट टाइप ऑफ अमेजन आइटम्स डू यू हैव इंटेंट टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो मैं इधर से दोस्तों कंप्यूटर एंड ऑफिस इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और भी सेलेक्ट कर देता हूँ इधर इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे कि मेरा चैनल है जो टेक्निकल है, तो इसके बारे में भी सेलेक्ट करूँगा मैं। तो अब हमारे को दोस्तों नीचे और ऑप्शन मिल जाता है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो इसके लिए हमारे को दोस्तों फर्स्ट वाला जो है प्राइमरी टॉपिक है जो सेलेक्ट कर देना है कुछ भी, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ ए कंटेंट और निस वेबसाइट। तो इस दूसरे ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट सेकेंडरी टाइप, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इधर मैं और भी कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ इधर से। तो सेकेंडरी में हम ये डाल देते हैं ए मैन्युफैक्चरर पब्लिशर, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और नीचे हमारे को और ऑप्शन मिल जाता है ये वाला ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन। तो इधर में हमारे को ऑप्शन है दोस्तों मिल रहा हुआ कि हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो इधर में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और सोशल नेटवर्क, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और नीचे हमारे को और ऑप्शन मिल जाता है इधर हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम, मतलब कि आप जो है अपनी वेबसाइट से कैसे इनकम करते हैं। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल से कैसे इनकम करता हूँ वो जो इधर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कुछ भी, जैसे कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसको मैंने जो है सेलेक्ट कर दिया। और दूसरा एक और ऑप्शन सेकेंड है, तो इसको भी आप जो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी मैं जो कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये कर दिया ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेल। और अब हमारे को ऑप्शन मिल जाता है हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स। तो हमारे को दोस्तों इस पर क्लिक करना है, मतलब कि आप जो लिंक कैसे बनाएंगे। तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ मैनुअली वेयर टेक्स्ट एडिटर, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और नीचे ऑप्शन और मिल जाता है हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स टू योर वेबसाइट एंड एप्स पर मंथ, मतलब कि आप जो एक महीने में कितना विजिटर आते हैं अपने चैनल पर। तो मैं इधर से सेलेक्ट कर देता हूँ 50,000 से 5,00,000 तक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और ऑप्शन मिल जाता है हमारे को व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजन एफिलिएट एसोसिएट्स प्रोग्राम, तो इसको मैंने सेलेक्ट पर क्लिक किया। और इधर से मैं टू मोनेटाइज माई साइट, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और अब हमारे को नीचे एक और ऑप्शन मिल जाता है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, मतलब कि हमारे बारे में आपको किसने बताया। तो इस पर मैं सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और इधर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ऑनलाइन सर्च को। तो ऑनलाइन सर्च के ऑप्शन को मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया है। और अब हमारे को दोस्तों नहीं से ऑप्शन मिल जाता है कैप्सा का, तो हमारे को दोस्तों ये कैप्सा जो इधर डाल देना है। तो मैं अभी सही से ध्यान से इस कैप्सा को इधर डाल देता हूँ 5538 5538, और फिर है एन सी छोटा अक्षर में, तो 5538 आपको ध्यान रखना और सही से डालना है 5538 NC, ये मैंने सही से डाल दिया कैप्सा। और नीचे हमारे को एक टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए इधर हमारे को राइट का टिक लगा देना है। और अब हमारे को दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, ये वाला फिनिश का, तो मैं फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। और फिनिश पर दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे तो
इधर हमारे सामने दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जो ओपन हो चुका है और इधर लिखा हुआ आ गया कांग्रेट्स अशोक कुमार, मतलब कि आपका जो है अमेजोन का एफिलिएट बन चुका है और इसका जो अमेजोन का मेरा जो आईडी यूनिक आईडी है। और अब दोस्तों हमारे को दोस्तों नीचे ऑप्शन मिल जाता है एंट्री और पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आपको जो अभी पेमेंट का जो है एड्रेस डालना है, मतलब कि बैंक का सारी डिटेल डालनी है, तो आपको नाव पर क्लिक करना है और अपना पैन कार्ड नंबर और बैंक डिटेल डाल देना है। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको जब बाद में डालना है तो आप जो है लेटर पर क्लिक करना है। तो मैं अभी बाद में डालूंगा, अभी बैंक का जो एड्रेस नहीं डालूंगा, तो मैंने जो लेटर पर क्लिक कर दिया। हमने अकाउंट तो बना लिया अमेजोन एफिलिएट का और उससे जो हमारे को जो है लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमारे को क्या करना है कि इधर से बैक ले लेना है, बैक में आपको जो है वापस इसको रिफ्रेश कर लेना है। वापस आपको जो है अमेजोन की वेबसाइट है जो सर्च कर लेनी है, जैसे कि amazon.in मैंने सर्च कर लिया, तो ये जो पूरी की पूरी साइट है जो रिफ्रेश हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने जो अकाउंट बनाया है तो सारा बहुत सारा डेटा इसमें डला है। तो अभी दोस्तों मैंने जो है इसको वापस से लॉग इन कर लिया है और अब हमारे सामने दोस्तों सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है अमेजोन एसोसिएट्स साइट हिस्ट्री का ऑप्शन। तो ये दोस्तों ऑप्शन है जो तभी आता है जब हमने जो है अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट बना लिया होता है, तभी हमारे सामने ये ऑप्शन होता है अमेजोन एसोसिएट्स का। तो अब दोस्तों हमारा क्या करना है कि अगर आपको अर्निंग चेक करनी है कि आपने जो कितना कमाया अमेजोन एफिलिएट से, तो आपको दोस्तों अर्निंग पर क्लिक करना है और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो कितना रुपये कमाए हैं और सारी जानकारी इधर आपको अर्निंग पर मिल जाएगी। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो लिंक कैसे क्रिएट करना है किसी भी आइटम का। तो जैसे कि मैं अभी दोस्तों किसी भी मोबाइल का लिंक है जो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं किसी भी मोबाइल का जो है इधर नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मोटो इबार प्लस बैक कवर का ही सेलेक्ट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मोबाइल की ज़रूरत नहीं, मैंने कवर को सेलेक्ट कर दिया और सर्च कर लिया। तो अभी दोस्तों ये कवर है, तो अब हमारे पास दोस्तों किसी भी कवर को जो है जैसे कि सेल कराना है, तो हमारे दोस्तों उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं जो इसको सेल कराना चाहता हूँ, तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया कवर पर। अभी दोस्तों सिर्फ ये कवर आ चुका है इधर। तो अब दोस्तों वापस से हमारे को डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है, वो जब बंद हो चुकी है। तो इसको जब मैंने डेस्कटॉप साइट वापस स्टार्ट कर दिया है और अब हमारे सामने दोस्तों ये दे लीजिए कमर है जो आ चुका है। तो अब दोस्तों हमारे को इसका लिंक क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। ऊपर एक आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लिंक का, ये दे लीजिए टेक्स्ट का, गेट लिंक और टेक्स्ट का। तो इधर हमारे को दोस्तों इस गेट लिंक के नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो एक लिंक आ जाएगा इस आइटम का। मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक है जो कैसा है, ये देख लीजिए ऐसा लिंक है। तो इस लिंक को जो आपको कॉपी कर लेना है और अपने वेबसाइट पर या फिर चैनल पर आपको जब पोस्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी आइटम है जो परचेस करेगा कोई भी आदमी, तो आपको जो कमीशन मिल जाएगा। और कमीशन मिलने के बाद में दोस्तों आपको जो है इस अर्निंग पर क्लिक करके आप जो चेक कर सकते हैं कि आपने जो है कितना कमाया है रुपये, और फिर आप जो बैंक में विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नई नॉलेज और जानकारी मिली होगी। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।